today! नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़। मेरा नाम है आशीष तिवारी। इस वक्त हैं हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और हमारे साथ आज जो हैं खास मेहमान, वो रायपुर सिटी से पिछले 33 साल से भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, यहाँ के MLA हैं और पिछली कई सरकारों में कई महत्वपूर्ण पदों को संभाल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार तिवारी, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइए, अगले साल आज से चुनाव की तैयारियां शुरू होने वाली हैं, आप लोग भी उस मोड में आ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ या ऐसी क्या बात है कि जिस RSS को कभी यहाँ पे नहीं लाया जाता था, वो उनकी ज़रूरत पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव जीतने के लिए? देखिए, आने वाला नवंबर इसी समय छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव होंगे, और अगर आपकी जानकारी में हो तो जो पुराना मध्य प्रदेश है वो RSS का गढ़ रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे जैसे संगठक यहाँ से निकले हैं, सुंदरलाल पटवा जैसे लोग निकले हैं मालवा, और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक यहाँ आज से नहीं, इसकी स्थापना से, जनसंघ के कार्यकाल से और RSS की स्थापना के समय के भी सदस्य छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हैं। इसलिए नई बात नहीं है, और सरसंख्यालक जी का छत्तीसगढ़ कोई पहला प्रवास नहीं है, ये उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक बनने के बाद में 7वां 8वां प्रवास है। तो ये सामान्य बात है, उनकी एक काम करने का तरीका होता है, सिस्टम होता है, कोई उनका एक दिन में कार्यक्रम नहीं बनता है, दो दो तीन तीन साल पहले कार्यक्रम बनते हैं। लेकिन आप लोगों पे जिस तरीके से आरोप ये लग रहे हैं कि एक BJP को दोबारा रिवाइव करने के लिए आदिवासी मुद्दा, RSS का इन्वॉल्वमेंट, दिलीप सिंह जुदेव को सडनली एक ऐसा सम्मान देना जिसको शायद बहुत वक्त लग गया वहाँ तक देने में, ऐसा नहीं है। दिलीप सिंह जुदेव इस छत्तीसगढ़ की धड़कन रहे हैं, इस छत्तीसगढ़ के प्राण रहे हैं, हिंदू सम्राट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, और ऐसे व्यक्तित्व का, क्योंकि वो बहुत कम समय हुआ है, वो हमारे बीच से चले गए, अचानक चले गए, और इसलिए उनकी याद को ताज़ा करने के लिए आज भी उनके चाहने वाले लाखों की संख्या में हैं, तो उनकी याद को ताज़ा करने के लिए, और उनकी शायद मुझे लगता है 2 सालों से वो मूर्ति स्थापित थी, वो इस बात का इंतजार कर रही थी कि कोई ऐसे पवित्र हाथों से उसका अनावरण हो, और सरसंचालक मोहन भागवत जी के हाथों उसका अनावरण हुआ, एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी जिस तरीके से मोहन भागवत जी का आना हुआ है, आप उसको कहीं भी राजनीतिक नज़रिए से नहीं देख? संघ का कोई भी काम राजनीतिक नहीं होता है, वो तो समाज के लिए काम करती है, देश के लिए काम करती है, जिस तरीके धर्म के लिए काम करती है। जिस तरीके से अपोजिशन का लगातार बयान आ रहा है, दिग्विजय सिंह का भी रिसेंट बयान आया जिसमें उन्होंने मोहन भागवत जी के लहजे को लेकर बोला कि अभी वो मुस्लिम जगहों पर जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, कुछ दिन में मोदी जी टोपी भी पहनेंगे। देखिए, समय, काल, परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस देश को एकता के सूत्र में कैसे पिरोया जा सकता है, इस देश को कैसे सामाजिक समरसता लाई जा सकती है, जातिवाद, वर्ग भेद को समाप्त कर कि हम सब भारतवासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदू हैं, ये भावना कैसे जागृत की जा सकती है। और उसके लिए आज लगभग 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, आज 100 साल हम 2025 में मनाएंगे, तो वो जो उनका काम है उस काम को, देश के लिए काम करना, उस काम में वो लगातार लगे हैं और सने सने आगे बढ़ रहे हैं। जिनको तकलीफ है, जिनके पेट में दर्द होता है, वो उस पर रिएक्ट करते रहते हैं, RSS कभी रिएक्ट नहीं करता है। तो चलिए, आप ये सिरे से खारिज कर रहे हैं कि RSS का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन क्योंकि अब चुनाव की तैयारियाँ शुरू होंगी, आप लोग पिछले इलेक्शन में जिस तरीके का परफॉर्मेंस देना चाहिए था नहीं हो पाया, अभी क्या लगता है किन मुद्दों के साथ आप लोग जाने वाले हैं? पिछले 5 सालों में बघेल सरकार जो है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक 15 साल का हमारा टेन्योर था, और उस टेन्योर में ये भी होता है कि कई बार लंबे समय उन्हीं लोगों को देखने के बाद लोगों को लगता है कि हम परिवर्तन कर देखते हैं, तो लोगों ने परिवर्तन किया, पर वो ढाक के 3 पास साबित हुआ। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, उनका सपना था कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में ट्राइबल हैं, कास्ट हैं, बैकवर्ड हैं, यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो डेवलपमेंट किया उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते।
पूरे हिंदुस्तान में सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग को स्टेट बना तो छत्तीसगढ़ बना, फास्टेस्ट डेवलपिंग को सिटी बनी तो रायपुर बनी, परंतु पिछले चार साल में छत्तीसगढ़ माफिया राज के लिए, छत्तीसगढ़ हत्या के लिए, छत्तीसगढ़ चोरी डकैती के लिए, छत्तीसगढ़ अनारकी के लिए, छत्तीसगढ़ में इलाज के अभाव में लोगों की मृत्यु हो जाए, छत्तीसगढ़ खराब सड़कों के लिए, छत्तीसगढ़ में अवैध शराब बिकती है इसके लिए, छत्तीसगढ़ में कोयला माफिया काम करता है, वो पैसा वसूल करता है, ईडी के छापे पड़ते हैं, रेत का माफिया यहाँ पर काम करता है, यहाँ पर जंगल का माफिया काम करता है, यहाँ पर ज़मीन का माफिया काम करता है। लोगों को लगता है कि अभी जो वर्तमान भूपेश बघेल जी की सरकार है वो जनता के लिए काम नहीं कर रही है, वो खाली अपनी पार्टी का एटीएम बनी हुई है, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक नेशनल वो अपने आप अपनी सरकार का नैरेटिव देते हैं कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो वेलफेयर की स्कीम है, गरीबों को जोड़ रही है, खासकर एक आप लोग का मुद्दा था जिसको ये कहा गया कि उन लोगों ने छीन लिया आपसे, जिसमें गाय है, गौमूत्र है, गोबर है, उसको डायरेक्ट रोज़गार से जोड़ने का जो उनका कार्यक्रम है उसके ऊपर आप लोगों को क्या कहना है? देखिए, अगर आपको मालूम हो तो पूरे हिंदुस्तान में एक रुपए किलो में गरीबों को चावल देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लोगों को सड़क भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, घर भी चाहिए। 18 लाख गरीबों के प्रधानमंत्री आवास छीनने का पाप अगर किसी के सर पर है तो भूपेश बघेल सरकार के सर पर है। लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, जल जीवन मिशन में आज छत्तीसगढ़ 30वें नंबर पर है। पूरे देश में 90% घरों में नल का पानी पहुंचने लगा, छत्तीसगढ़ में वो नहीं पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ में लोग जो 24/7 यहाँ बिजली की कोई कमी नहीं थी, सरप्लस बिजली स्टेट था, आज वहाँ पर गाँव में बिजली नहीं मिलती है। पंप के कनेक्शन बीजेपी शासनकाल में जीरो हो गए थे, आज 1 लाख से ज़्यादा लोग किसान पंप के कनेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसानों को खाद नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, तो उसके कारण सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, तो उसके कारण अब जनता में नाराजगी है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा और अभी मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं तो लोगों का आक्रोश भी उनके सामने आ रहा है। अच्छा, मैं पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ आया और मैंने भी एक लंबा ट्रेवल किया रोड से, सड़कें छत्तीसगढ़ की इतनी ख़राब क्यों हैं और क्या ऐसा संभव है कि पिछले 7-4 सालों में ही वो ख़राब हुई हों, कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या सड़कें इतनी कमज़ोर बनाई थी कि वो 4 सालों में ही टूट गई? देखिए, आपको आप अपना घर भी बनाते हैं, अगर आप उसके धूल साफ नहीं करेंगे तो 1 महीने में वो धूल से भर जाएगा, अगर आप उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो जर्जर हो जाएगा। तो कांग्रेस की सरकार ने पिछले 4 सालों में अवैध परिवहन को अलाउ किया पैसा खाकर। जो सड़कें 10 टन की सड़कों के लिए बनाई गई थी वो सड़कों पे आज 50-50 टन की गाड़ियां चल रही हैं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, पैसा लेकर अवैध गाड़ियां चल रही हैं, सड़कों का मेंटेनेंस नहीं हुआ। जिन सड़कों को बनाना चाहिए, जिनके टेंडर हो गए थे, सरकार के पास पैसा नहीं है उनको बनाने के लिए। मुख्यमंत्री जी बार बार गुस्से में कहते हैं कि दिसंबर तक सड़कें ठीक हो जाना चाहिए, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रही हैं। तो उसका मूल कारण है कि राज्य सरकार के द्वारा जो NHAI की सड़कें बन रही हैं उन सड़कों के लिए जो क्लीयरेंस देना चाहिए वो उनको उपलब्ध नहीं करवा रही है, और राज्य सरकार को जो सड़कें बनानी थी उनको नहीं बनाया, जो मेंटेन करना था उनको नहीं मेंटेन किया, और उसके कारण छत्तीसगढ़ की वर्तमान में सड़कों की हालत बहुत ख़राब है और जगह जगह गांव के लोग आंदोलन कर रहे हैं। बीच में अभी आपसे कैमरे पे हम ये वादा ले रहे हैं आज कि आपकी सरकार अगर बनेगी तो आप सड़कों को दोबारा या जिस जो हालात में है वो कम से कम आप लोग सुधारेंगे उसको। देखिए, अगर नहीं, हमारी सरकार तो बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी, बीजेपी की आइडियोलॉजी की सरकार बनेगी, और छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है कि हमने 15 साल में छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदली है, और जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ फिर से खुशहाल बनेगा, यहाँ की सड़कें अच्छी होंगी, लोगों को बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, घर घर में नल का पानी मिलेगा, हेल्थ सुविधाएँ अच्छी होंगी, क्योंकि कोई भी कंगाल सरकार और भ्रष्ट सरकार जनता को सुविधा नहीं दे सकती। जो जनता की सेवा करने वाली सरकार है, सोनिया और प्रियंका और राहुल की सेवा करने से छत्तीसगढ़ का भला नहीं होगा, छत्तीसगढ़ की सेवा करने से यहाँ का भला होगा। ये राजनीतिक बातें हैं, लेकिन अगर आपकी पर्सनल राजनीति की हम लोग बात करें, पिछले लगातार 33 सालों से एक जगह से जीतना बहुत मायने रखता है। आप सरकार में तमाम उन पदों पर रह चुके हैं, तमाम वो मंत्रालय देख चुके हैं, अभी तक आप
मुड़ के देखते हैं अपने राजनीतिक जीवन को और अपने छात्र राजनीति के जीवन को, तो बृजमोहन अग्रवाल को क्या नज़र आता है? देखिए, राजनीति भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में सब कुछ मिल जाएगा। राजनीति भी एक एजुकेशन है, आपको जीवन भर पढ़ना पड़ेगा, जीवन भर सीखना पड़ेगा, जीवन भर आपको जो लोगों की उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उसके बीच में जीना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, आम को आम लोगों के लिए उपलब्ध होना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आप अपने संबंधों को निभाते हैं, तो आपको राजनीति में सब कुछ पद नहीं होता है, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें, उनका सम्मान होता है, लोगों का रिस्पॉन्स होता है, आपकी फॉलोइंग होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान की कृपा से पिछले 40 सालों के सार्वजनिक जीवन में पद प्रतिष्ठा तो आने जाने वाली चीज़ है, पर रिलेशंस और लोगों के साथ में संबंध, वो जो मिले, लोगों का जो प्यार मिला है, जनता का प्यार मिला है, कि पिछले 7 चुनावों से एक ही स्थान से जनता लगातार जिताती रही है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी सम्मान की बात है, गौरव की बात है, स्वाभिमान की बात है और मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। आपके जो विरोधी हैं, आपके शुभचिंतक विरोधी जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो नॉन पॉलिटिकली फिट आदमी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो चालाकी नहीं है, उनके अंदर जो एक राजनेता बनने के लिए जो एक श्रूडनेस चाहिए वो नहीं है। आप तो बड़े आम आदमी जैसे हैं, कोई भी आता है उससे मिलते हैं, ऐसे लोग राजनीति की लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं, लेकिन आप तब भी रेलिवेंट अपने आप को बनाए रहे, वैसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो लोग कहते हो तो गलत साबित हो रहे हैं ना। जनता अगर पिछले 7 चुनावों से मुझे जिता रही है, आशीर्वाद दे रही है, अपना प्यार दे रही है, स्नेह दे रही है, तो ये अपने आप में उनकी बातों को गलत साबित करता है। जो लोग शॉर्ट टर्म की पॉलिटिक्स करते हैं, वो गुरूर के साथ में, घमंड के साथ में, लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करते हुए, वो एक बार तो जीत जाते हैं। बोलते हैं ना कि जो गंदा पानी है उसको आप पहाड़ पर ले जाओ तो वो नाली में ही आएगा। अगर आपको लोगों के साथ में सतत जुड़े रहना है, तो निश्चित रूप से आपको अपने काम करने के तरीके में, अपने व्यवहार में, लोगों की सेवा में, आपको अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा। अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया, कांग्रेस इसीलिए समाप्त हो रही है। कांग्रेस का समाप्त होने का कारण यही है कि उनको लगता था कि वो अपने आप को राजा महाराजा समझते थे, कि हम विधायक बन गए, हम सांसद बन गए, हम मंत्री बन गए, तो हम राजा बन गए, हम कमांड करने के लिए हैं। तो आज का पॉलिटिशियन अगर कमांड करेगा तो लंबे समय तक राजनीति में नहीं रह पाएगा। जब आप लोगों के बीच के आदमी बनकर रहेंगे तो आप लंबे समय तक राजनीति कर पाएंगे। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे, जब से हम आए हुए हैं, आपके अंदर कोई आप नेता जिनको बोला जाता है, जो सो कॉल्ड इंडियन सिस्टम में है कि वो कुर्ता पहनेगा, उसके पीछे लाव लश्कर होगा, बड़ी सारी भीड़ होगी, आप बड़े सहज तरीके से आते हैं भीड़ में, आपको जो लोग पहचानते हैं वो जानते हैं, लेकिन आपका भेज, आप नॉर्मली नेता जैसे क्यों नहीं है? देखिए, एक नेता क्यों नहीं है? लोगों को एलर्जी हो गई है कि कुर्ता पजामा जैकेट पहन के और अपना तन कर चल रहे हैं, तो लोगों को लगता है ये आ गए नेताजी, और लोगों का उनके प्रति जो सम्मान का, आदर का भाव होना चाहिए वो नहीं होता है। अगर आप लीडर, मतलब आप लीड करने वाले होना चाहिए, आप लोगों के प्रॉब्लम्स को, लोगों की समस्याओं को, लोगों की खुशी को, लोगों के दुख को, सबको आप लीड करने वाले होना चाहिए। परंतु अब जो लीडर्स हैं वो लीड करने वाले नहीं हैं, वो अपने फॉलोअर्स बनाते हैं, वो लीड नहीं करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि लीडर का मतलब ये है कि वो लीड करे, और आप अगर आप लीड करेंगे तो लोगों का आपको प्रेम मिलेगा। आपके ऊपर एक आरोप ये भी लगता है कि आपके जितने अच्छे दोस्त भारतीय जनता पार्टी में हैं, उतने ही अच्छे आपके कांग्रेस में भी दोस्त लोग हैं, तो ये भी आपके ऊपर ये लगता है, इल्ज़ाम या आरोप लगाया जाता है कि आपके चारों ओर आपके दोस्त हर पार्टी में हैं। देखिए, राजनीति कोई पेशा नहीं है, राजनीति आपको लोगों की सेवा करने का माध्यम है। अगर कांग्रेस पार्टी में भी लोग लीडरशिप करते हैं, नेतागिरी करते हैं, तो उनका भी सोच यही होना चाहिए कि हमको लोगों की सेवा करना है, लोगों के दुख दर्द को दूर करना है। आखिर हमारा सबका मोटिव एक है कि हम
हमारी छत्तीसगढ़ को, हमारे देश को खुशहाल बनाएं, लोगों के जीवन में खुशी लाएं। और हम लोगों ने जो राजनीति शुरू की वो मध्य प्रदेश में जब सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह, श्यामाचरण शुक्ला, मोतीलाल वोरा, दिग्विजय सिंह ये सब लोग होते थे, तो हमने देखा कि हाउस के अंदर में तीखी बहस होती थी, एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप करते थे, परंतु बाद में सब गले में हाथ डालकर आपस में बैठकर चाय पीते थे। तो राजनीति को दुश्मनी के लिए नहीं है, आज के जो राजनीतिज्ञ हैं, नए पौध हैं, वो सोचते हैं आपस में दुश्मनी होते, चुनाव लड़िए, पूरी ताकत के साथ में लड़िए। जैसा कहते हैं ना कि आप हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, आप ईसाई भी हो सकते हैं, आप अपनी पूजा पद्धति पूरे ताकत के साथ में करिए, परंतु जब देश की बात आए, समाज की बात आए, सेवा की बात आए, तो आप सब एक होइए। और इसलिए कभी भी मैंने अपने अपोजिशन वालों को दुश्मन नहीं माना, उनको दोस्त माना, और अगर कोई अच्छा काम अगर उनको हम साथ में लेकर कर सकते हैं तो करना चाहिए। आपके राजनीतिक करियर पिछले 40 सालों में बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्सी हुई हैं, लेकिन कुछ हुई हैं, उनमें से एक ये आरोप भी लगता है कि कभी कभी आपकी भाषा ऐसी हो जाती है जो शायद कई लोग उसको अनपार्लियामेंट्री बोलते हैं, या कुछ एक टॉपिक पे, जैसे अभी रिसेंटली आपने कांग्रेस को लेके एक बयान दिया जो काफ़ी उसकी चर्चा हुई। देखिए ये सब नेचुरल है, उसी चीज़ को कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोला, बढ़िया बोला, कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये तो एक सामान्य बात है, जब आप पब्लिक की फील्ड में काम करते हैं तो कभी कभी गुस्से में या नाराज़गी में कुछ शब्द निकल आते हैं, परंतु अगर कभी ऐसा हुआ है जो हमें, क्योंकि इतने सालों से काम करते करते कुछ अगर गलत होता है तो अपने आप को समझ में आ जाता है, हाँ मैंने गलत बोल दिया है, तो उसको वापस लेने में भी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उस सिस्टम में अगर आपने कुछ गलत बोल दिया जो लोगों को हर्ट कर रहा है तो उसको वापस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कुछ फटाफट इंटरव्यू ख़त्म करेंगे, हम रैपिड फायर एक राउंड करते हैं। ये मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बृजमोहन अग्रवाल होंगे, रमन सिंह होंगे, या कोई और होगा? देखिए ये ये तो भविष्य के गर्भ में है, और मैं अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर सकता, रमन सिंह नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, कांग्रेस का भी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। पार्टी जिसको तय करेगी, शीर्ष नेतृत्व जिसको तय करेगा, क्योंकि राजनीति का जो सिस्टम है उसमें जहाँ पर अपोजिशन में होते हैं वहाँ कभी कोई मुख्यमंत्री घोषित कर चुनाव नहीं होता है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो होगा वो अच्छा होगा, जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। अभी आपको आपका 2 मिनट और लेंगे, मुझे ये बताइए कि मैं आपको कुछ नाम बदल लेता हूँ, आप मुझे बताइए आपको क्या ख्याल आता है उनके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में देश को जो ऊंचाइयां दी है, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, देश को आज भारत पूरे विश्व के लीडर बनने के रास्ते पे चल रहा है, और उन्होंने देश की दशा और दिशा को बदला है, और उनके पॉलिसी से आज देश में आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है जो कभी लोग कल्पना नहीं करते थे। लोग तो सोचते थे राजनीतिज्ञ आते हैं बोल के चले जाते हैं, परंतु पहली बार गरीब को घर मिले, गरीब के घर में शुद्ध पानी मिले, गांव में सड़कें बने, 24 आवर्स बिजली मिले, लोगों को जो गरीब हैं उनको सस्ते में अनाज मिले, जो इस प्रकार की योजनाएं हैं, लकड़ियों में लोग खाना बनाते थे उनको गैस के कनेक्शन मिले, जो करप्शन होता था उसको रोकने के लिए जनधन खाते, DBT के माध्यम से लोगों के खातों में सब्सिडी का पैसा जाए, तो कोरोना काल में पूरे 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर और वो भी मुफ्त में वैक्सीनेट कर कोरोना से लोगों का जीवन बचाने का काम। तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिस फील्ड में मोदी जी ने काम कर देश का नाम रोशन ना किया हो, और देश के लोग यही चाहते हैं कि बाकी तो सब ठीक है परंतु देश का नाम ऊंचा होना चाहिए, देश का सर ऊंचा होना चाहिए, इस काम को अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो यात्रा है भारत जोड़ो जिसका उन्होंने नाम दिया है, आप बीच बीच में कुछ कमेंट करते रहते हैं उस पर, राहुल गांधी के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए राहुल जी को वास्तविक रूप में जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और बहुत बार मुझे लगता है उनके आसपास जो इर्द गिर्द रहने वाले उनके एडवाइजर हैं वो प्रॉपर नहीं है। देश में अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, अपोजिशन कमज़ोर हो रहा है, ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। जाते जाते ये बताइए, आप
अब क्या आप पूरी तरीके से चुनाव के समर में अब शुरुआत होने वाली है, क्या आपने आप लोग पूरी तरीके से गियर्ड अप हैं, किन मुद्दों के साथ आपकी जा रहे हैं आप लोग चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा गियर्ड अप रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी पोलिंग बूथ स्तर तक में काम होता है। और हम आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार की कमियां, उनका अन्याय, अत्याचार, करप्शन, माफिया राज, लोगों का शोषण, इसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल को लेकर जाएंगे और मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के विकास लोगों ने हमारा देखा है और उनको लोगों को विश्वास है कि आने वाले समय पर आप अगर देखेंगे तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहाँ वहाँ डेवलपमेंट होता है, और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है वहाँ वहाँ करप्शन होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ को जो खुशहाल बनाया था और ये 4 सालों में बुरी हालत हुई है, फिर से खुशहाल बनेगा, इसके लिए हम काम करेंगे। एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए, कितनी सीटें आ रही हैं आप लोग की? अब कंफर्टेबल मेजोरिटी आएगी, कोई आंकड़ा हम बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। दोबारा आपकी चुनाव के दौरान हम आएंगे और आपकी जीत के बाद हम दोबारा ये टेस्ट जरूर करते रहेंगे कि आपने जो वादे किए हैं कैमरे पे वो कितने पूरे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू।